किडनी और हार्ट की गंभीर बीमारी के मरीज कोरोना से कैसे बच रहे हैं? ये बहुत बड़ी संख्या में लोगों को डायबिटीज, ब्लड प्रेशर और तकरीबन 17% जैसे आपने बोला लोगों को किसी न किसी स्टेज 1, 2, 3, 4, 5 अलग लेवल की किडनी की बीमारियां हैं और उनमें विश्व भर का जो डेटा है ये दिखाता है कि किडनी विकार के लोगों में कोविड की मृत्यु दर अधिक है। पर इसका मतलब ये नहीं है कि उन्हें अपने बचाव के लिए कुछ माध्यम नहीं है। खास करके ये देखा जा रहा है कि जो फिजिकली इनएक्टिव या रोज एक्सरसाइज नहीं करते हैं उनमें ज़्यादा दिक्कत होती है। तो करना क्या है, जो हमारे हाथ में है वो हमें करना है, जो हमारे हाथ में नहीं है उसके बारे में चिंता नहीं करनी है। चिंता से लोगों की जो है पैनिक से और इम्यूनिटी और उनकी स्ट्रेस लेवल बढ़ने से इम्यूनिटी कम हो के और इन्फेक्शन बढ़ रहा है। किडनी ट्रांसप्लांट मरीजों को कोरोना से कितना प्रभाव पड़ा है? शुरुआत की दिनों में जो है कोविड के जो पैंडेमिक शुरू हुई तब बहुत ज़्यादा लोग भयभीत थे कि किडनी ट्रांसप्लांट के लोगों में तो ये बहुत हानिकारक होने वाला है, उनके लिए बहुत दहशत का सिचुएशन होने वाला है। जैसे आपने कहा कि दोहरी मार, ये भी देखा गया कि जो किडनी ट्रांसप्लांट के पेशेंट्स जो इम्यूनिटी बूस्टर्स ले रहे थे जैसे अश्वगंधा वगैरह, तो उनमें किडनी रिजेक्ट भी हुई। तो पर पिछले एक साल का जो अनुभव किडनी ट्रांसप्लांट के पेशेंट्स का, दो अभी नई स्टडीज आई हैं जिन्होंने देखा कि जो किडनी ट्रांसप्लांट पेशेंट्स भर्ती हुए कोविड की वजह से उनमें दूसरे जनरल पॉपुलेशन के मुकाबले कोई एक्स्ट्रा मॉर्टेलिटी रिस्क नहीं थी। एक तरह से जो कोविड जो इन्फेक्शन है वायरेमिया या वायरस की वजह से एक डैमेज करता है और एक दूसरा फेज जो है वायरस कम हो जाता है बट बॉडी की इम्यून सिस्टम ही अपने बॉडी को डैमेज करने लगती है जिसे साइटोकाइन स्टॉर्म कहते हैं। और अच्छी बात यह है कि ट्रांसप्लांट पेशेंट्स में जो टैक्रोलिमस या साइक्लोस्पोरिन नाम की जो इम्यूनिटी सप्रेसिंग मेडिसिन चलती है या स्टीरॉयड चलती है ऑलरेडी, उस वजह से ये साइटोकाइन स्टॉर्म रिलेटेड इंजुरी की चांसेस कम होती हैं। तो ये देखा गया, दो अभी नई स्टडीज ऐसी हैं जिनमें ये देखा गया कि किडनी ट्रांसप्लांट पेशेंट्स में मृत्यु की दर ज़्यादा नहीं है। तो ये बहुत अच्छा दिलासा देने वाला रिजल्ट है किडनी ट्रांसप्लांट पेशेंट्स के लिए, उनका भय दूर करने वाला कि आप बिल्कुल भी भयभीत ना हो। पिछले 10 साल से 5 साल से 2 साल से जिनके भी ट्रांसप्लांट हुए हैं काफ़ी वो टेंशन में थे, ये बहुत रिलीफ वाला उनके लिए न्यूज़ है कि ट्रांसप्लांट पेशेंट्स में जो मृत्यु दर है वो जनरल पॉपुलेशन के बराबर ही है। और जो डायबिटीज़ या ब्लड प्रेशर की जो एडिशनल रिस्क जिस तरह से जनरल पॉपुलेशन में है उसी तरह की किडनी ट्रांसप्लांट में भी है। किडनी के मरीज कोरोना से बचाव के लिए घर पर क्या करें? ये हमारे किडनी के पेशेंट्स में सबसे ज़्यादा रिस्क वाले जो पेशेंट्स हैं वो डायलिसिस पेशेंट्स, क्योंकि उन्हें हफ्ते में 3 बार हॉस्पिटल आना ही पड़ता है डायलिसिस कराने के लिए। और वो जो है एक ग्रुप होता है कि माने 10-15 लोग जो हैं एक इकट्ठा हो रहे हैं डायलिसिस के लिए और बेड बेड में जो है इतना बड़ा डिस्टेंस भी नहीं होता, तो सोशल डिस्टेंसिंग बहुत वहाँ पर कारगर नहीं हो पाती। तो एक पेशेंट को अगर कहीं कोविड हो जाता है तो बहुत रिस्क बढ़ जाती है कि यूनिट में दूसरे लोगों को भी हो जाए या टेक्नीशियंस को, नर्सेस को हो जाए और फिर उनसे दूसरे पेशेंट्स को हो जाए। तो बहुत ज़रूरी है हॉस्पिटल जब आ रहे हैं ज़्यादा आपके अटेंडेंट्स आपके साथ ना हो, वेटिंग एरिया में भी सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन की जाए, हॉस्पिटल में डायलिसिस के बेड्स की डिस्टेंस बढ़ाई जाए और पूरे डायलिसिस के दौरान उन्होंने अपने मास्क को उतारना नहीं है। पूरा डायलिसिस का ड्यूरेशन ख़त्म हो के आप हॉस्पिटल से बाहर अपने घर जाने तक जो है आपको मास्क बनाए रखना है और हॉस्पिटल डायलिसिस यूनिट के अंदर आने पर आपको इमिडिएटली अपना हैंड सैनिटाइजेशन करना है। कुछ भी चीज़ों को आप इधर उधर छूते हो तो आपको फिर से हैंड सैनिटाइज करना है। तो इन चीज़ों को अगर आप ख्याल रखेंगे और ख़ास करके जिन्हें भी माइल्ड भी सिम्टम्स आ रहे हों उन्होंने अपने डायलिसिस टेक्नीशियन और डायलिसिस डॉक्टर्स को इमिडिएटली इन्फॉर्म करना चाहिए ताकि वो उनकी जल्दी टेस्टिंग हो जाए और उन्हें जल्दी आइसोलेट किया जाए ताकि दूसरे पेशेंट्स को बचाया जा सके। आइसोलेशन में मेजॉरिटी हॉस्पिटल्स जो हैं आइसोलेशन डायलिसिस की फैसिलिटी रखते हैं,
पर दिक्कत ये भी आ रही है कि कई ऐसे हॉस्पिटल्स हैं जिनमें उतनी जगह ही नहीं है कि वो डायलिसिस आइसोलेशन में कर पाएं। तो ये भी बड़ी दिक्कत हम आज देख रहे हैं कि कई हॉस्पिटल्स अपने कोविड पेशेंट्स को बाहर दूसरे हॉस्पिटल्स में डायलिसिस के लिए भेज रहे हैं और ऑलरेडी दूसरे यूनिट्स भी फुल हैं। तो महाराष्ट्र में और कई जगहों पे ये दिक्कत देखी गई कि डायलिसिस पेशेंट्स बहुत सफ़र किए। तो मेरा डायलिसिस पेशेंट्स स्पेशली इस पॉपुलेशन को ये कहना है कि आप अपना प्रिकॉशन पूरे सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क एंड हैंड सैनिटाइजेशन को पूरा जो है आपका फॉलो करना है। अपनी इम्यूनिटी को बनाए रखने के लिए कम से कम 20 मिनट्स एवरीडे एक्सरसाइज करनी है। कोई इसमें शॉर्टकट नहीं है। कोई आप कोई इम्यून बूस्टर कुछ खा लेंगे, ये सब सबसे इन सब चीज़ों का से भी ज़्यादा आपको फिजिकली एक्टिव रहना है। प्राणायाम, सूर्य नमस्कार, एक्सरसाइज, इन चीज़ों को आपके रूटीन में इंक्लूड करना है। और स्टीम इनहेलेशन, जो थ्रोट इरिटेशन वगैरह हो रही है, बीटाडिन गार्गल्स, सॉल्ट वाटर गार्गल्स, खास करके ब्रश करते समय ही आप अगर नमक को थोड़ा आपने अगर रख दिया है अपने बाथरूम में और इधर ब्रश किया, थोड़ा स्टीम इनहेलेशन किया, थोड़ा नमक गर्म पानी में डाल के गरारे किए, ताकि कोई भी जो बैक्टीरियल या वायरल एक्यूमुलेशन आपके थ्रोट में हो रहा हो, तुरंत उसको जो है क्लियर कर दिया जाए, ताकि वहाँ पर उसे ग्रो करने का और बॉडी पर हावी होने का मौका ना मिले। तो इन चीज़ों को आपको जो है स्ट्रिक्टली फॉलो करना है। क्या किडनी के मरीजों को वैक्सीन लगवानी चाहिए? देखिए, किडनी ट्रांसप्लांट के पेशेंट्स या डायलिसिस पेशेंट्स या नॉर्मल जो किडनी डिसीज पेशेंट्स हैं जो अभी डायलिसिस पे नहीं हैं, इन सभी के लिए वैक्सीन बहुत कारगर है, बहुत इम्पॉर्टेंट है। सभी ने वैक्सीन लेना ज़रूरी है। वैक्सीन से डरने की ज़रूरत नहीं है। वैक्सीन्स काफ़ी सेफ हैं। एफिकेसी वाइज हाँ दिक्कत हो सकती है, जैसे ट्रांसप्लांट के पेशेंट्स में जो हैं वो ऑलरेडी इम्यूनिटी सप्रेसिंग मेडिसिन पर हैं, तो वैक्सीन कितनी उनमें इफेक्टिव होगी उस पर शंका हो सकती है, पर वो सेफ हैं। उनसे रिजेक्शन की रिस्क वगैरह अधिक नहीं बढ़ती है। आपको अपना क्रिएटिनिन लेवल और आपके ट्रांसप्लांट फिजिशियन से फॉलोअप रखना ज़रूरी है, ताकि अगर कोई रिजेक्शन जैसा हिंट मिलता हो तो तुरंत उसको एड्रेस किया जा सके, पर ऐसी कोई एक्सेसिव रिस्क देखी नहीं गई। डायलिसिस पेशेंट्स में भी इफेक्टिव ये वैक्सीन्स जो हैं, खास करके डायलिसिस पेशेंट्स में इम्यून सिस्टम उतना एक्टिव नहीं होता। तो जनरल पॉपुलेशन में जो देखा जा रहा है कि 2 डोज कोविशील्ड के लेने पर उनमें जो है 75 to 77% इनमें इम्यूनिटी आ रही है कोविड के अगेंस्ट। हो सकता है कि डायलिसिस पेशेंट्स में उतना परसेंट में एफिकेसी ना हो। जैसे हमारे दूसरे वैक्सीन्स भी जो हम डायलिसिस पेशेंट्स में देते हैं, हेपेटाइटिस बी की वैक्सीन देते हैं, तो 25 से 30% लोगों को वो वैक्सीन का इफेक्ट नहीं आता, क्योंकि उनकी इम्यून सिस्टम रेस्पॉन्स नहीं देती है उस वैक्सीन को। तो डायलिसिस पेशेंट्स हों या ट्रांसप्लांट पेशेंट्स हों, ये रिस्क नहीं है कि उन्हें कुछ साइड इफेक्ट आएंगे। हाँ, ये जरूर हो सकता है कि उनमें उतनी एफिकेशियस ना हो वैक्सीन, पर आपको फिर भी वैक्सीन लेनी है, क्योंकि कई परसेंट मेजॉरिटी लोगों को वो घातक कोविड या डेंजरस या डेथ रेट कम रखेगी वैक्सीन लेना। नॉर्मल सीकेडी पेशेंट्स के लिए कोई, यानी अनलेस आपको कोई सीवियर एलर्जी की रिएक्शन वगैरह की रिस्क हो, अदरवाइज आपको कोई दूसरा डरने की जरूरत नहीं है वैक्सीन से। कोरोना काल में किडनी जैसे रोगों के मरीज क्या करें और क्या नहीं? हमारे किडनी पेशेंट्स में खास करके जो चीज़ हमें देखनी पड़ती है कि उन्हें सूजन आ रही है। सूजन आती है तो वजन बढ़ जाता है। तो मैं अपने सब पेशेंट्स को कहता हूँ कि आपको अगर बहुत सिकनेस है तभी हॉस्पिटल आइए, अदरवाइज जो है आप अपना वजन, आपका बीपी रिकॉर्ड कर लीजिए, आपका हार्ट रेट, बीपी, वजन, ग्लूकोमीटर पे शुगर देख लीजिए। इन चीज़ों को देखकर ये डेटा आप हमसे शेयर कर लीजिए वीडियो कंसल्टेशन के जरिए। आप अगर रेगुलर हमारे फॉलोअप में हैं, हमें हमारे पास आपका डेटा होता है कि
कि जिसमें आपका पहले वजन कितना था, अब वजन बढ़ गया है मतलब हाँ सूजन बढ़ गई होगी, गोली का डोज एडजस्टमेंट करना है। तो किडनी पेशेंट्स के लिए अनलेस आप बहुत सिक हैं, एडमिट करने लायक सिचुएशन है, तब तक आपको स्पेशली ये जो अगला एक महीने का टाइम है जिसमें कोविड के केसेस और बहुत बढ़ने एक्सपेक्टेड हैं, आप घर से तभी निकलिए जब बहुत आवश्यक है। अदरवाइज जो आपका रूटीन फॉलोअप है आप वीडियो कंसल्टेशन के जरिए कर ले सकते हैं। उसमें आपके डॉक्टर को यही चाहिए कि आपका वजन कितना है, आपकी बीपी कितनी है, हार्ट रेट कितनी है, आपका ग्लूकोमीटर से रीडिंग लिया हुआ शुगर कितना है, इतना अगर आप डेटा बता सकते हो, और अगर आपकी जो भी रूटीन वाली जो दिक्कतें हैं वो आप वीडियो कंसल्टेशन के बारे जरिए आप अपने डॉक्टर को बता सकते हो, तो आपको आपका डॉक्टर सारे सॉल्यूशंस वीडियो कंसल्टेशन के द्वारा भी दे सकते हैं।